What's going on guys, welcome back in another video. This is your friend Abhishek. और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्कआउट के बारे में. इस वीडियो में आपके साथ अपना पर्सनल फेवरेट लेग्स का वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ. सो लेग्स का वर्कआउट जो होता है, काफ़ी लोग होते हैं लेग्स करने में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, उनका मन नहीं करता लेग्स का वर्कआउट करने में. लेकिन ये चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि हमारी बॉडी का जो हाफ पार्ट है, जो हमारी बॉडी का हाफ पार्ट है वो लेग्स है. सो लोगों को मज़ा आता है उनका अपर ट्रेन करने में, लेकिन काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका अपर बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ होता है, मसल्स अच्छे डेवलप हुए होते हैं, देखने से सिमेट्री बहुत अच्छी लगती है. लेकिन अगर उनके हम नीचे बेस देखें, जो उनका बेस है, अगर लेग्स देखें, उनके बेस देखें, तो वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं. मैंने काफ़ी लोगों को जिम में पूछा जाके कि यार आप लोग लेग्स क्यों नहीं करना चाहते, तो मेरे पास ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो आंसर्स आए वो ये थे कि यार जो वेटेड स्क्वाट्स होते हैं वो वेटेड स्क्वाट उनसे नहीं लगाए जाते, या अगर वो वेटेड स्क्वाट्स लगाते तो कि लोअर बैक में प्रॉब्लम हो जाती है. सो ज़्यादातर ओवरऑल जो आंसर्स मेरे पास आए उससे मुझे ये पता चला कि वेटेड स्क्वाट्स की वजह से काफ़ी लोग लेग्स वर्कआउट नहीं करते. उनको लेग प्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, लंजेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेटेड स्क्वाट्स की जब बात आती है तो वो ऐसे करते हैं. सो मैंने सोचा कि एक ऐसा वर्कआउट डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें आप वेटेड स्क्वाट्स के बिना अपने सारे क्वाड्स के मसल को हिट कर पाओ, सारे हैमस्ट्रिंग्स के मसल्स को हिट कर पाओ. जिन लोगों से मैंने जिम में बात करी थी कि आप लेग्स क्यों नहीं करना चाहते, तो अब आप लोग भी लेग्स कर सकते हो विदाउट वेटेड स्क्वाट्स. आप ये वाला वर्कआउट ट्राई कर सकते हो. इस वर्कआउट के बाद आपको जो मसल सोरनेस मिलेगी, जो आपको पंप मिलेगा अपनी लेग्स में, वो जो वेटेड स्क्वाट्स होते हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक मिलने वाला है. तो जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि हमने एक प्रोडक्ट अनबॉक्स करा था, वेइंग स्केल हमने करा था, तो वो जो वेइंग स्केल था वो था एक्टिव एक्स का. और एक्टिव एक्स ये वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, एक्टिव एक्स ने मुझे नहीं भेजा, ये मैंने पर्सनली ऑर्डर किया था क्योंकि मैं पहले भी एक इनका प्रोडक्ट यूज़ कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो. सो अब मैंने एक्टिव एक्स का वेइंग स्केल मंगाया है. इसमें आप अपना वेट कर सकते हो और जो एक्यूरेसी है वेट की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो करेंटली मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो कर रहा हूँ 16:8. जब हमें एक अच्छी रिप बॉडी चाहिए होती है तो ये जो फास्टिंग है इससे अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे आपको जो रिजल्ट मिलते हैं बहुत सस्टेनेबल होते हैं और ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा ईजी है एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने से. सो अगर आपको नहीं पता 16:8 इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसमें क्या डाइट लेना पड़ता है, क्या सप्लीमेंटेशन होता है, फास्ट को कैसे ब्रेक किया जाता है, किस विंडो में खाना होता है, किस विंडो में नहीं खाना होता, इसको IF भी बोला जाता है, तो IF में पहले भी फॉलो कर चुका हूँ और उसके जो रिजल्ट थे वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे. तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में उसके बारे में काफ़ी बात करने वाला हूँ कि ये कैसे होती है, क्या सप्लीमेंटेशन होती है, क्या डाइट होती है, वर्कआउट कैसे किया जाता है इसमें, तो सबके ऊपर बात करेंगे. तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट डायरेक्ट इन द वीडियो. और आप जो है ये वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, इन्जॉय करो, फॉलो करो, और नेक्स्ट टाइम मुझे आके जरूर बताना कि आपको इस वर्कआउट से क्या रिजल्ट मिले. इन्जॉय.
पसंद आया तो अपने नए लेग डे सेशन वाले दिन ये वर्कआउट फॉलो करना, और अगर वर्कआउट से आपको अच्छा मसल टेयर हुआ है, अगर अच्छी सोनेस आई है और एक अच्छी रिकवरी चाहते हो तो अपना फेवरेट प्रोटीन पाउडर पीना मत भूलना। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट प्रोटीन पाउडर पी रहा हूँ। सो प्रोटीन से आपकी जो रिकवरी है वो अच्छी हो जाएगी। अगर प्रोटीन नहीं ले रहे तो एग वाइट्स भी ले सकते हो। तो अगर और वर्कआउट वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता दो, मैं और वर्कआउट वीडियोस आप लोगों के लिए ले आऊँगा। और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिन पर बात करनी है, बट आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। एंटिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।